मैं तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ गाने बनाता हूँ। किसी लोगों को नहीं पसंद आता तो वो उसको कॉन्ट्रोवर्सी बना देते हैं। जब लुंगी डांस बनाया था तो शौकन से आपकी टीम को पसंद नहीं आया था। लोका मीन्स क्रेजी गर्ल, मुझे थोड़ा सा राइम अच्छा करता है। लोका मौका चौका धोका, लुंगी डांस, बच्चन साहब सलमान जी के साथ गाना केक, ये गाने ऐसे हैं कि मेरा पूरा करियर बदल दिया। यो यो शुबॉय, यो हनी सिंगर, यू वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। आज हमारे साथ में है हनी सिंह, वन ओनली वन हनी सिंह, जिन्होंने हंगामा किया हुआ है दुनिया भर में अपने गानों से, अपने नगमों से और अपने बहुत ही यूनिक अंदाज से। एंड ही कैन आल्सो बी कंट्रोवर्शियल एज़ वेल। तो ये आर यू विद अस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? राइट, ये आप बहुत ही यूनिक फिनोमेनन आपका है कि आपकी बेशुमार आपकी कामयाबी है, बेशुमार आपकी मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी आपकी है, बट एट द सेम टाइम ये है कि यू आल्सो मैनेज टू रिमेन कंट्रोवर्शियल। कैसे डील करते हैं आप ये इतने कंट्रोवर्सी? मैं तो कुछ भी नहीं करता, जितना मुझे समझ में आता है आप काफी सेंसिटिव इंसान हैं, आप संवेदनशील आप काफी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी एक छवि है आप उसके कंपैरिजन में आप बिल्कुल ही एक कुछ अलग टाइप की आती है। देखो वो जो छवि कहेंगे कि जो स्क्रीन पे मैं देखता हूँ या जो गाने में गाता हूँ वो लोगों के लिए गाता हूँ, वो कैरेक्टर है जो वो देखने जाते हैं। मेरा कि जो मेरा अपना बन है वो भी उसमें होता है, लेकिन मेरे वीडियोज देखिए आप, गाने देखिए बहुत वाइल्ड है, जैसे मैं भी वाइल्ड ही हूँ, लेकिन जब ऑफ स्क्रीन होता हूँ तो कहना कि थोड़ा कामनेस है, सही पकड़ा। आपने सही तो आपका क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस ये होता है कि मैं आज भी ना स्ट्रीट से कनेक्टेड हूँ और मेरी टीम में दो तीन लड़के हैं जो बिल्कुल यंग हैं, तो वो मेरे को स्लैंग से अपडेटेड रखते हैं। फॉर्मूला कोई भी नहीं है गाना बनाने का, बस मेरी ये थॉट रहता है कि कुछ भी चीज़ बनाओ तो वो किसी को समझ में आए ना आए, मासेस को जरूर समझ में आए, लोग रिलेट कर रहे थे उससे। बेसिकली क्या होता है कि मैं पहले बीट बनाता हूँ, हमें म्यूजिक प्रोड्यूसर फर्स्ट देन राइटर देन सिंगर, तो मैं पहले बीट बनाता हूँ, उसके बाद जस्ट वाइब आउट करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, तो कुछ हो मतलब अपना सिंगर बड़ा क्ली, आई जस्ट टॉक ऑन द बीट। जिस तरीके का आपके म्यूजिक वीडियोस होते हैं जो एक पूरा पैराफर्नेलिया होता है, आई थिंक मे बी किसी भी इंटरनेशनल आई थिंक स्टार के लेवल का आपको रिस्पॉन्स मिलता है और आपको पूरा तामझाम मिलता है। सोनाक्षी का आपको गाना था, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था दैट वाज ह्यूज। एक म्यूजिक लेवल जैसे टी सीरीज है उसका जो टोटल बिलीफ है, फेथ है आपको म्यूजिक कुमार का आपके अंदर, वो कितना जरूरी है? वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे गाने भी मतलब मैंने अपना डेब्यू किया था, मैंने गाना था ब्राउन से, सोलो डेब्यू था मेरा उससे, उसके बाद दो तीन गाने और किए, फिर उसके बाद मेरी एसोसिएशन टी सीरीज से हुई। उससे पहले का टाइम था वो बहुत स्ट्रगलिंग था, क्योंकि वो मेरे थॉट नए थे, वो बातें नहीं थी, वो शूटिंग कैनवास डिफरेंट था, तो लोगों को नहीं जो कंपनीज थी रिकॉर्ड लेबल्स थे बाकी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये टू मच फ्यूचरिस्टिक है। फाइनली जब मेरा कोलैबोरेशन हुआ टी सीरीज का, इट्स ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का, तो उनको समझ में आता, मुझसे भूषण को समझ में आता कि ये जो चीज़ है, कई चीज़ें ऐसी हैं। इनफैक्ट मैंने जब लुंगी डांस बनाया था तो शौकन से आपकी टीम को पसंद नहीं आता था, बट भूषण जी ने उसको उनको कन्विंस किया कि गाने को करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा काम करो। उनके तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सपोर्ट रहती है कि अगर आपका रिकॉर्ड लेबल आपके साथ है तो वो हमें बिलीव करें। एंड अभी लोका आपका गाना है अभी सीरीज पे, बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के चार्ट्स पे बहुत ही रैपिडली आगे बढ़ा है, तो लोका के बारे में बता पाए। लोका अब 2017 से लेके अब तक बहुत सारा स्पेनिश सॉन्ग, बहुत सारा स्पेनिश म्यूजिक इंडिया में हिट हुआ, तो मेरी ये थॉट है कि इंडिया में वैसे लोगों को अंग्रेजी कम समझ में आती, स्पेनिश तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन अगर वो चीज़ें चल रही हैं तो क्यों ना हम भी कुछ स्पेनिश में यूज़ करें। तो लोका मीन्स क्रेजी गर्ल, मुझे थोड़ा सा राइम अच्छा करता है, लोका मौका चौका धोका, तो इट वॉज वेरी ईजी टू मेक दिस सॉन्ग, तो बस हम भी जस्ट ट्राई किया कि हम गोइंग लोका लोकल आप समझा नहीं सकते आप कहना क्या चाह रहे हो। और जब मैंने म्यूजिक बनाना शुरू किया था अर्बन या हिप हॉप म्यूजिक, तो तकरीबन बात है 2009 या 10 की, तब
एकॉन, एनरिके इग्लेसियास, ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लोग सुनते थे। मुझे ये चीज़ थी, मैं अगर इसी म्यूजिक सेंस में, इसी म्यूजिक वाइब में अगर मैं इनकी बातें करूँ, स्ट्रीटेड बातें करूँ और इसका विजुअल बड़ा शूट करूँ तो मुझे लगता है इनको पसंद आएगा। फाइनली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ब्राउन एंड शॉट इन दुबई, इट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन, उसके लिए काफ़ी तैयारियाँ करी, फिर वो गाना हिट हुआ तो उसके बाद लड़ी चल रही। मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कहीं पर कि उनको ब्लू आइज उनके घर पे जितने भी उनके ग्रैंडसन सब थे वो सब ब्लू आइज बहुत पसंद करते, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा विजुअल है, तुमने भूतान बनाया तो ब्लू आइज का विजुअल बहुत अच्छा है, तो भूतान भी जो बनाया वो भी अपनी टीम से बनवाओ। मेरी दिल्ली की छोटी टीम है, जो उनके कैमरा से थे, उन सबको इकट्ठा किया तो ट्राई किया, भूतान का वीडियो विजुअल बहुत अलग था। बच्चन साहब ने वो जो बुलाया वो मेरी लाइफ के लुंगी डांस, बच्चन साहब सलमान जी के साथ जो गाना केक, ये गाने ऐसे हैं कि मेरा पूरा करियर बदल दिया। एंड लुंगी डांस से आप बात कर रहे हैं तो शाहरुख खान अगर कहीं पर भी जाते हैं बड़े से बड़े लोगों के साथ में भी उन्होंने करना जरूरी होता है। एंड ही इज मेड इट वेरी वेरी कूल। जी बिल्कुल। सो हाउ डू यू जस्ट रिकॉल द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग फॉर इट? इनिशियली यू सेड दैट दे डिड नॉट लाइक इट, हां जी, बट देन दे फाइनली टुक इट एंड इट वाज रीच। कहानी की बहुत जबरदस्त कहानी है उसकी। मैं गोवा में था किसी काम से, मेरे एक दोस्त है वो म्यूजिक से उनको लेना था, नहीं इज अ बिल्डर इन बॉम्बे, सो ही जस्ट कॉल्ड मी अप कि शाहरुख खान ने तुमसे मिलना, मैं क्या वो पास कर रहा हूं, मैं वो मुझसे कब मिलेंगे मुझे जानते भी नहीं। फाइनली वो चीज़ सच है कि उन्होंने घर पर बुलाया शाहरुख साहब ने, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी चेन्नई एक्सप्रेस की, रिसेंटली कुछ बनाओ, तो मैंने सर अगर कुछ अच्छा बनेगा तो दूंगा, अच्छा नहीं बनेगा तो नहीं दूंगा। मुझे तकरीबन 2 महीने लगे उस ट्रैवलिंग, फिर गाना क्रैक हुआ तो मैंने उनको बोला कि मैं गाना रेडी है तो मेल करो, मैं आके सुना, फिर आके सुनाया उनको इतना पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने अपने बेटे को भेजा आर्यन को गाना, और फिर भूषण जी ने जैसे पुश किया कि नहीं गाने में कुछ बात है उसको करो, लाइफ का अब तक का बिगेस्ट सॉन्ग है डेफिनेटली। एंड आपने टूर भी किया था यूएस में? आपने हाँ जी, हमने यूएस टूर किया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर किया था साथ में, उस दौरान बहुत सीखने को मिला उनसे, शाहरुख साहब से काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि भी करियर में कैसे आगे चलना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें जरूरी नहीं करनी, बहुत सीखने को मिला पूरी जर्नी, स्पेशली बॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टार्स अच्छे बाजी हो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कि नज़दीक रहने का मौका मिला, सीखा भी बहुत। तो कुछ ये रूमर्स भी आई थी उस टाइम पे कि दैट टूर के टाइम पे कुछ आपकी अनबन हुई थी शाहरुख खान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पता नहीं कहाँ से अजीब से हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, एंड जब आप टूर करते हैं तो स्पेशली पंजाबी आई थिंक जो गाने हैं तो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि कैनेडा का आपने जिक्र किया है, यूएस में, यूके में बहुत ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पंजाबी बैंक होने, वो आपके लिए एक कैसा तजुर्ब रहता है जब आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं? बहुत बहुत अलग चीज़ रहती है, वाइब भी बहुत अलग होती है। मेरा थॉट ये है कि जो चीज़ हिंदुस्तान में हिट है पूरे वर्ल्ड वाइड हिट है, अगर आप अगर केटर करना चाहेंगे तो यूके की मार्केट को मुझे इम्प्रेस करना है तो वो सिर्फ यूके में चलेगी, कनाडा के लिए आपने सुना कि मतलब कनाडा की मार्केट चाहिए तो उसके लिए गाना बनेंगे सिर्फ कनाडा में चलेगा, लेकिन अगर आप इंडिया में कुछ करते हो तो सारी दुनिया को पसंद आता है और हर कम्युनिटी को इम्पैक्ट, दुबई में शो किया, दुबई में शो करते हैं हर कल्चर के लोग आते हैं, हमारे क्रम में किया तो गुजराती बहुत थे, ये था कि सिर्फ पंजाबी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। टूरिंग इज वॉट कि जब आपने कोई चीज़ बनाई वो उसको सक्सेस मिला और उसको कामयाबी मिली तो उसको वन ऑन वन फील करने का मज़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने शुरू में मैंने कहा था कि आपकी जो लिरिक्स स्पेशली होती है आप खुद ही आप लिखते हैं, अब यंगस्टर्स में बहुत क्लिक करती है, यंगस्टर्स बहुत उसको रिलेट करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं, जैसे लेकिन एक सर्टेन एक क्लास एक होती है जो कि उनको लगता है दैट यू नो दे यूज्ड टू फाइंड यार ये हनी सिंह की जो लिरिक्स है वो थोड़ा सा मतलब गलत है, लड़कियों के ये थोड़ा सा सही नहीं है, आप कैसे उस अपील करते हो, क्या आपने ओवर द इयर्स आपने कुछ उसमें बदलाव करके अंदर लाने की कोशिश की? मुझे लगता है कि एक लोग बोलते हैं कि भी एक आर्टिस्ट सोसाइटी का आईना होता है, तो आई एम नॉट अ स्कॉलर, अगर मैं कोई गाने बना रहा हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ जो दिख रहा है मुझे मैं वो लिख रहा हूँ, अगर कई लोगों को वो पसंद आता है वो अच्छी बात है कि लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं किसी का दिल दुखाने के लिए या कोई भी ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाता कि जिनको बुरा लगे गाना सुन के, क्या इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी लोगों को नहीं समझ में आता कि उनको आपत्ति होती है किसी लिरिक्स से तो वो
मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए, क्योंकि कई लोग भी ऐसी तादाद थे जो वही चीज़ पसंद करते हैं। मैंने गाना एक बनाया था 2008 में, भगत सिंह के शहीद भगत सिंह, वो गाना चला ही नहीं था, मेरे पास 3 साल काम नहीं था। जब मैंने बनाना शुरू किया, अंग्रेजी बीट थे, दारू चारू नाम के साथ, तो गाना चल पड़ी। तो वो चीज़ें अपने लिए नहीं है, वो चीज़ें लोगों के लिए करनी पड़ती है करना एक आदमी। लेकिन अभी जैसे ये गली बॉय आए हैं और एक रैप के लिए, आपको पसंद है गली बॉय? बहुत बहुत, ये पूरा जो म्यूजिक सीन चेंज हुआ है रैप का। बेसिकली मैं अपने आप को रैप आर्टिस्ट या हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं करता, मैं एक रैप म्यूजिक को कमर्शियल पॉप के साथ ब्लेंड करके लेकर आया, और मैंने उसमें स्किल नहीं रखे ज़्यादा, मैंने उसको ईजी रखा कि उसको बच्चे भी हम कर पाए। चार बोतल वो उसकी वाइब ऐसी रहती, यू कैन सिंग अलोंग, चार बोतल वो का मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोके, इट्स लाइक नर्सरी नाइन, तो वाइब वो है कि भी कनेक्ट करें। तो अब क्या हुआ है कि जब दौर आया वो हिप हॉप जो स्ट्रीट हिप हॉप है प्रॉपर, जो प्रॉपर स्ट्रिक्ट हिप हॉप है, स्पिटिंग कहते हैं जिसे, डिसिंग कहते हैं जिसमें चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत अच्छा निकल गया। और गली बॉय मूवी के बाद तो बहुत अच्छा निकल गया। हम लोगों ने वो चीज़ कभी क्यों नहीं करी, तो था यार तो कमर्शियल चलेगा नहीं, लेकिन अब जो नए आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, उन्होंने इस चीज़ को कमर्शियल भी बनाया और फिल्म ने बहुत फायदा किया उन लोगों को, और अच्छा फील होता है कि हिप हॉप मेन स्ट्रीम पे, स्ट्रीट हिप हॉप मेन स्ट्रीम पे, मेन स्ट्रीम में आया। इसे अपना टाइम आएगा उसमें गाना है, उसके अलावा और भी मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर भी गाने हैं, मतलब एंग्जाइटी के बारे में, यूथ के एंग्जाइटी के बारे में, तो क्या लगता है कि भगत सिंह का जो आपने बनाया था क्या आज के टाइम का? हाँ डेफिनेटली, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ दोबारा किया जाए, क्योंकि वो लोग हैं, अगर वो लोग ना होते शहीद भगत सिंह और बाकी फ्रीडम फाइटर्स, तो आज हम ऐसे नहीं बैठे होते, हमें आज़ादी नहीं मिलती, हमें लिबर्टी नहीं मिलती। मेरे को कहना कि ना होता है कि यार थोड़ा सा कमर्शियल करके तो थोड़ा सा सुकून मिले, तो एक बार इन्हीं तरह के गानों को बनाया गया। मुझे उम्मीद है कि अब शायद लोग उसको सुन लेंगे। जो ये जो अटकलें थी कि उड़ता पंजाब जो पिक्चर बनी थी वो आपकी लाइफ के ऊपर कुछ हद तक बेस थी? नहीं ऐसा नहीं था, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्होंने वाइब उठाई कि हाँ एक कैरेक्टर को दिखाया जाए कि इस तरह का है, जैसे थोड़ा वाइल्ड है, लिरिकली थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ से उसके अंदर कुछ खास था। आप मुझे अच्छे तरीके से याद है, आपने चार बोतल वोट का रेफरेंस दे दिया, मतलब वो एक टाइम था कि हनी सिंह जिस चीज़ को टच करते वो सुपर डुपर, मतलब एक टी सीरीज की पिक्चर में हनी सिंह के गाने के बगैर साउंड ट्रैक ही नहीं आता था, ठीक है, और हर गाना जो है वो हीरो कोई भी हो हनी सिंह का गाना आ गया पिक्चर चलेगी, एटलीस्ट साउंड ट्रैक इतना मकबूल हो जाएगा कि दैट रिस्पॉन्स मिलेगा। बट देन इट सडनली ड्रामेटिकली आपका एक फेज आया दैट यू जस्ट वैनिश्ड फॉर सम टाइम, और बहुत सी अटकलें थी कि आपकी तबीयत को लेकर या जो भी, कैसे आप देखते हैं उस फेज को? व्हाट रियली हैपेंड? बहुत कुछ था बढ़िया, जैसे कि पुराने दौर की अगर बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, उस सोच में और मेरी आज की सोच में काफ़ी फर्क भी, और ये होता भी है प्रैक्टिकली कि अगर एक बार आप शुरू हुए और आपका बस बन रहा है तो आपको एक बार किला फतेह करना ज़रूरी है, आपको 10 गाने डालने ज़रूरी है, उसमें 15 गाने डालने ज़रूरी है, उनमें से 10-12 हिट होने ज़रूरी है, अगर हो जाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा काम करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होती है। और लकीली ऐसा हुआ कि मैं बीमार हुआ, मुझे ब्रेक मिला, उसके बाद मैंने वो जो चीज़ें बनाई हैं वो बहुत नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जो कुछ होता अच्छा होता है, बहुत दौड़ रहा था, बहुत काम कर रहा था, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं था, 2 साल आराम से चल दिया, काम भी किया, पिछले 3 साल से लेकर अब तक मैंने 60 गाने बनाए, 28 गाने मैंने DCs को दिए पिछले में, तो अब यही करा मतलब लोग बोले कहाँ चले गए, मैं कहीं नहीं गया, आई एम जस्ट डूइंग दिस, टेकिंग माय टाइम बैक, दिस इज व्हाट इट इज। ये शो बिजनेस की जो इंडस्ट्री होती है बहुत ही ज़्यादा उसमें चकाचौंध भी होती है, कामयाबी होती है, पॉपुलैरिटी होती है, बट द सेम टाइम उसके अंदर बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन भी होता है, जेलसीज भी होती हैं, और आगे बढ़ने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कैसे देखते हैं आप? सही है, हर तरह के लोग हैं हर दुनिया में, और सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई किसी को कॉम्पिटिशन लेके चलता है, कोई किसी से जेलसी करता है, वो अलग अलग लोगों के थॉट हैं, उनके अलग अलग उनका कैरेक्टर बिहेवियर है, लेकिन मैं अपना कॉम्पिटिशन खुद को समझता हूँ, क्योंकि जब मैं गाना बनाता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने 60 गाने बनाए, तो मैंने 28 गाने इसको, तो जो बाकी गाने मुझे लगा नहीं है ये इतने बड़े नहीं हैं, ये साउंड इतनी बड़ी नहीं है, ये लिरिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी तरह साइड मेरा अपना कॉम्पिटिशन मेरे खुद के साथ ही रहता है। और बाकी जिस तरह का मेरे नेचर है, मैं किसी से वैसे ही नेगेटिव या जेलसी वगैरह मेरा फैक्टर ही नहीं है लाइफ में, मेरी कैरेक्टर ही नहीं होती, जो मुझसे जेलस करता कोई उसको भी कोई मेरे को भी परवाह नहीं उससे। एंड जो अभी ये डिबेट आज चली हुई है जो रीमेक्स को लेकर है, और बादशाह ने इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं रीमेक्स लेकर करूँगा, वो भी रीमेक्स एंड सॉन्ग, आप कैसे देखते हैं? मैं इस दौर को बहुत अच्छा समझता हूँ, और रीमेक्स का जो दौर है, रीमेक का जो दौर है बहुत सही दौर है, और एक काम करना आसान नहीं है,
लोग बोलते हैं अरे क्या कर रहे हैं उठा के रीमेक कर रहे हैं, काम आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप एक पुराना बड़ा हिट गाना उठा रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है यार, ये पहले से ज़्यादा हिट होनी चाहिए। प्लस पॉइंट एक और है कि जो बच्चे 15 साल 20 साल के हैं जो उनको 20 साल पुराना गाना नहीं पता, तो उनके लिए तो नया सॉन्ग ही है रीमेक। रीमेक काफ़ी है, तनिष बख्शी डूइंग अमेजिंग जॉब। लोग कह रहे हैं कि इतना रीमेक्स होना, आप करके दिखाओ, 10 गाने बनाओ उसमें 8 हिट करके दिखाओ। बहुत मुश्किल काम है रीमेक करना, तो आसान है और अच्छा दौर है। अच्छा तो म्यूजिक का जो भी दौर है, जिस तरह का भी म्यूजिक है वो अच्छा ही होता है, आपने देखना उसको कैसे वो आपके ऊपर। मेरे हिसाब से रीमेक दौर बहुत मजेदार है, मैंने भी कुछ रीमेक अभी तैयार किए हैं। और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जब आप, जब मैंने दिल चोरी किया था, दिल चोरी साठ हो गया रीमेक किया जाए, उसका पूरा वर्स कुछ और था, जो पूरा वर्स ब्लेंड होता है वो क्लाइंट में दिल चोरी साठा हो गया की करिए, सो वो एक अलग सी हैप्पीनेस लेके आता है, एक पुरानी याद लेकर आ जाता है उन लोगों की जिन्होंने गाना पहले सुना। तो उसमें जहाँ तक मुझे पता लगा था कि सब लोग बहुत खुश हुए थे, समीर साहब जिन्होंने वो गाना लिखा था, कुमार सानू जी, सब खुश हुए थे, ऐसा नहीं है मुझे नहीं लगता। और क्रेडिट मिलता है जो रीमेक आप कर लेंगे, आज तनिष बख्शी ने कितने भी रीमेक किया, तनिष बख्शी का नाम सेकेंडरी आता है, फर्स्ट उसी का आता है जिसका गाना था, फर्स्ट उसी एक्टर का आता है जिसका गाना शूट हुआ था। साकी साकी आप लीजिए, तो साकी साकी वही पुराना लेके जाएगा, तो बल्कि उल्टा है, जिनका ओरिजिनल गाना है उनको तो वैसे पहचान है ही है, उनका वो गाना है ही है, जो रीमेक कर रहा है उसको सेल करना पड़ता है, यार गाने का रीमेक मैंने किया, मेरा भी योगदान है, विच इज़ नॉट ईजी। Yo, it's your boy, Honey Singer. You're watching Bollywood Hangout.